बॉलीवुड के किंग खान 4 सालों के लंबे इंतजार के बाद फिल्म पठान से बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं, लेकिन रिलीज के पहले ही शाहरुख खान की एक कमबैक फिल्म विवादों के घेरे में आ गई है। जब से इस फिल्म का गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ है, तब से फिल्म को लेकर विरोध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाल ही में पठान फिल्म का सर्टिफिकेशन भी किया गया, जिसमें बेशरम रंग गाने में कुछ बदलाव करने के सुझाव दिए गए हैं। बता दें कि हाल ही में CBFC गाइडलाइंस के मुताबिक फिल्म पठान के सभी पहलुओं पर नजर डाली गई, जहां पर कमेटी की ओर से फिल्म के मेकर्स को कुछ बदलाव करने को कहा गया है। बता दें कि ये बदलाव खासकर फिल्म के गाने बेशरम रंग को लेकर करने को कहे गए हैं। अब इसके बाद मेकर्स गाने में क्या बदलाव करते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग को लेकर रिलीज के समय से ही काफी बवाल मचा हुआ है। इस गाने में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के बोल्ड सीन्स और उनकी भगवा रंग की बिकनी का जमकर विरोध किया गया, जिसके बाद इस गाने में दीपिका पादुकोण के कॉस्ट्यूम में बदलाव करने की मांग भी की गई थी। लेकिन अब CBFC एग्जामिनेशन कमेटी की ओर से बेशरम रंग गाने में बदलाव करने की बात कही गई है। रिपोर्ट्स की माने तो सेंसर बोर्ड हमेशा से ही रचनात्मक एक्सप्रेशंस और लोगों की संवेदनशीलता के बीच तालमेल बनाकर रखती है, इसलिए इन मुद्दों पर आपस में बात करके इसका समाधान किया जा सकता है, इसलिए मेकर्स को इसी दिशा में काम करने की जरूरत है। दिलचस्प बात तो यह है कि बेशरम रंग गाने का जितना विरोध हुआ, उतने ही व्यूज यूट्यूब पर इसके बढ़ते चले गए। इतने हंगामे के बाद भी बेशरम रंग गाना टॉप पर रहा और देखते ही देखते 150 मिलियन व्यूज से भी ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए। इस गाने को लेकर जारी विवाद के बीच फिल्म का दूसरा गाना झूमे जो पठान भी रिलीज हो गया है, जिसे दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। शाहरुख खान के हर एक फैन को अब 25 जनवरी को इस फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन फिलहाल तो CBFC की ओर से बेशरम रंग गाने में जो बदलाव करने को कहे गए हैं, अब देखना होगा कि मेकर्स इस गाने में क्या बदलाव करते हैं, और ये बदलाव भी अब फिल्म के रिलीज होने के बाद ही दर्शकों को पता चल पाएंगे।